मृत्यु के बाद हम टाइम ट्रेवल से गुजरते हुए आत्माओं की दुनिया में जाते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को डर लगता है कि ये कहाँ जा रहे हैं, और अगर आपके भीतर डर की प्रवृत्ति हो तो ये टनल का एक्सपीरियंस लंबा भी हो जाता है। इसलिए मृत्यु को समझना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर इवन अलेक्जेंडर 8 दिन कोमा में रहे। डॉक्टर उनका 8 दिन में कोमा में रहने से उनका ब्रेन काफी ज्यादा डैमेज हो गया था। मेडिकल साइंस के नॉलेज के अनुसार जिस पर्सन का ब्रेन डैमेज हो गया हो वो तो कुछ देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, कुछ अनुभव नहीं ले सकता, लेकिन वो आत्माओं की दुनिया में बहुत सारे अनुभव लेकर आए। मृत्यु के बाद हम टाइम ट्रेवल से गुजरते हुए आत्माओं की दुनिया में जाते हैं, और बहुत बार साधकों को यह एक्सपीरियंस होता है अंधेरी गुफा से गुजरने का। स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो भी अगर आप देखें तो उसमें भी शुरुआत में एक टनल दिखाते हैं जो वास्तव में हमारे लाइफ के बाद का टनल है, जो मेडिटेशन में भी हम टेम्परली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को डर लगता है कि ये कहाँ जा रहे हैं, और अगर आपके भीतर डर की प्रवृत्ति हो तो ये टनल का एक्सपीरियंस लंबा भी हो जाता है। अगर डरे नहीं तो फिर हम स्मूथली इस टनल को पार कर जाते हैं। टनल को जब हम पार करते हैं उसके बाद हमारे वैसे रिश्तेदार जो पहले जा चुके हैं, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, जिनसे भी हमारा स्नेह हो या जिनका स्नेह हमारे ऊपर हो, ऐसे कोई हमें लेने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर अलग अलग ध्यानियों के लिए, लोगों के लिए अनुभव थोड़ा अलग भी हो सकता है। जो मेडिटेशन में आउट ऑफ बॉडी कॉन्शियसली होते हैं उनको तो पता है क्या आउट ऑफ बॉडी होना एक नॉर्मल बात है, तो उनके लिए जरूरी नहीं है कि लोग कोई लेने के लिए आए। हाँ, जिनके भीतर डर की संभावना रहती है या जो हड़बड़ा जाए, ये क्या हुआ, अरे मैं तो अपने शरीर को हिला ही नहीं पा रहा हूँ, मरने के बाद तो ऐसा ही होगा, या बॉडी डेड हो गई, सिल्वर कॉर्ड जुड़ा होता है हमारे फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी के बीच पे, वो टूट जाती है, अब आपका फिजिकल बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहा, आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, या आप जो एस्ट्रल बॉडी से जो बोल रहे हैं वो फिजिकल बॉडी तक, दूसरे फिजिकल लोगों तक ट्रांसमिट नहीं हो रहा। तो बहुत सारे लोग अचंभित जाते हैं, ये क्या हो रहा है। तो हमारे पहले के, हमारे पास्ट रिलेटिव्स जो शरीर छोड़ चुके हैं वो आकर समझाते हैं, लेकिन बहुत बार जो बहुत प्रिमिटिव सोल्स हैं वो अपने विचारों में इतने उलझे रहते हैं कि वो उनको देख भी नहीं पाते कोई उनको समझा रहा है कि। तो इसलिए मृत्यु को समझना बहुत आवश्यक है कि वो मेहनत कर रहे हैं कि अब तुम्हारा समय हो गया, अब चलो मेरे हमारे साथ। वो रेसिस्ट करते हैं, वो रेसिस्टेंस तो काम आता नहीं है, क्योंकि आपको तो जाना ही है। अब आपका शरीर छूट गया, शरीर से आपका सिल्वर कॉर्ड अलग हो गया, अब आपका जो प्राणमय शरीर है वो सिकुड़ने लगता है। प्राण शरीर जब तक फिजिकल बॉडी में रहता है तो 72,000 नाड़ियों में ऊर्जा बहते रहती है जी। लेकिन जैसे ही सिल्वर कॉर्ड अलग हुआ वो प्राणमय शरीर खुद में सिकुड़ने लगता है। हम आत्माओं की दुनिया में जाते हैं तो इन्हें बींग्स ऑफ लाइट डेथ पे बहुत रिसर्च हुआ है, बहुत लोगों ने काम किया है। डॉक्टर रेमन मूडी, 2009 में मैं उनसे मिला था बैंगलोर में, हमारा जो PSSM का इंटरनेशनल प्रोग्राम होता है, ग्लोबल कांग्रेस ऑफ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, उसमें वो आए थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के 50 साल दिए हैं डेथ पर रिसर्च करने में। ओह माय गॉड, और भी बहुत सारे लोग इस पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर रेमन मूडी मूलतः डॉक्टर ही है, बाद में उन्होंने सिर्फ डेथ पर रिसर्च में आ गए। बहुत लोगों ने इस पर काम किया है। ये सब बातें ध्यान में हमें पता चलती हैं, और कुछ कुछ ऐसे लोग भी हुए हैं जो थोड़ा सा आगे जाकर कुछ मिनटों में, वैसे समय दोनों लोक में एक जैसा नहीं है, जो यहाँ के लिए 5 मिनट है, 8 मिनट है, वो उधर के लिए बहुत अलग है, क्योंकि यहाँ पर धरती के लोक में समय लीनियर चलता है, लेकिन एस्ट्रल वर्ल्ड में समय लीनियर नहीं है, तो वहाँ पे समय का पैमाना अलग हो जाता है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब हम सपने देखते हैं
आप दिन में सो रहे हो, आपकी नींद 10 मिनट की हो, लेकिन उसमें आप एक लंबा सपना देख सकते हैं, जिसको बाद में आपको दूसरों को समझाने में कई घंटे लग जाए कि मैंने ये देखा, मैंने ये देखा। यस एग्जैक्टली, कई बार होता है ऐसा। फिजिकल वर्ल्ड में और एस्ट्रल वर्ल्ड में समय एक जैसा नहीं चलता। फिजिकल वर्ल्ड में टाइम लीनियर है, एस्ट्रल वर्ल्ड में टाइम नॉन लीनियर है। तो वहां पर हम जो यहाँ पे 8 मिनट लग रहा हो, नियर डेथ एक्सपीरियंस इसको कहा जाता है। कुछ कुछ ऐसे हुए जैसे अनीता मुरजानी काफी पॉपुलर हैं, डॉक्टर राजीव पारती, डॉक्टर इवेन एलेक्जेंडर, डॉक्टर मैरी नील। मैं डॉक्टर का जिक्र अधिक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो तो खुद ब्रेन पर काम करते हैं, उनको खुद इनकी जानकारी है, उनका कोई एक्सपोजर नहीं है मेडिकल फील्ड में, लेकिन जब उनको ये अनुभव हुआ उस अनुभव को नकार नहीं सकते। डॉक्टर इवेन एलेक्जेंडर तो 8 दिन कोमा में रहे। डॉक्टर उनका 8 दिन में कोमा में रहने से उनका ब्रेन काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया था। उनको जिनकी जो कोमा में गए थे वो एक ब्रेन का इन्फेक्शन था। तो हमारे ब्रेन में 8 पार्ट होते हैं, वो सभी 8 पार्ट डैमेज हो चुके हैं। तो मेडिकल साइंस के नॉलेज के अनुसार जिस पर्सन का ब्रेन डैमेज हो गया हो वो तो कुछ देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, कुछ अनुभव नहीं ले सकता, लेकिन वो आत्माओं की दुनिया में वो बहुत सारे अनुभव लेकर आए। वो अपने रिलेटिव से मिले, देखा कि यहाँ पे तो प्यार ही प्यार है। अध्यात्म में या आत्माओं की दुनिया में हमें यह बात को एक समझना है कि जीवन का जो आधार है वो प्रेम और प्रकाश है। हम प्रकाश से बने हैं यानी कि चेतना, और इस प्रकाश का जो सबसे बड़ा गुण है वो प्रेम है। जब बीइंग्स ऑफ लाइट मिलते हैं, हम आत्माओं की दुनिया में जाते हैं, तो पहले तो एक हमें लेने के लिए आए, फिर वो हमें ले जाते हैं और हमें हमारे पूरा परिवार मिलता है। जैसा हमारा धरती पर फिजिकल बायोलॉजिकल फैमिली है, वैसे हमारी सोल फैमिली है। एक सोल फैमिली में 8 से लेकर 25 लोग तक होते हैं, प्राइमरी सोल फैमिली, और उसके बाद फिर एक्सटेंडेड फैमिली, कजन है, दादा दादा की फैमिली, नानी की फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, तो उनसे मिलना होता है। और भले यहाँ पे कोई लोनली हो, लेकिन वहाँ पर जब सोल फैमिली मिलती है तो इतना खुशी होती है, इतने आंसू बहते हैं। आत्माओं की दुनिया में भी खुशी से रोते हैं। इन बातों को जानते हुए यहाँ पे यह समझना है कि हम कभी भी अकेला फील ना करें। आप वास्तव में कभी अकेले हैं नहीं। जिनको आप प्रेम करते हैं आप उनसे मिलेंगे, फिर मिलेंगे, क्योंकि आत्मा तो कहीं मरती नहीं है, आत्मा कहीं जाती नहीं है, बस बाउंड्री अलग हो गई। तो मृत्यु को समझना इस प्रकार से हमें एक आश्वासन देता है। जिनसे भी हमारा स्नेह हो, हमारा कोई स्पाउस हो या पेरेंट्स हो या कोई ग्रैंड पेरेंट्स हो, आपको बहुत प्यार है, आपको लगता है कि वो चले गए, बस थोड़े समय के लिए अलग हुए हैं, आप फिर से मिलेंगे।